सत्र 19 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इस मौके पर नागपुर में अधिवेशन की तैयारी चल रही है। मंत्रियों के बंगले तैयार रखे जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सुरक्षा के लिए देवगिरी बंगले पर 10 फीट ऊंची सुरक्षा दीवार बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। पुलिस विभाग की ओर से लोक निर्माण विभाग को ये निर्देश दे दिए गए और काम भी शुरू हो गया है। पुलिस के निर्देश पर नागपुर के देवगिरी बंगले में 10 फुट ऊंची और 1 फुट चौड़ी सुरक्षा दीवार का निर्माण शुरू हो गया है। सुरक्षा दीवार पर कांटेदार तार लगाने के पुलिस ने निर्देश दिए हैं। देवगिरी बंगले के लिए पहली बार इतनी बड़ी सुरक्षा दीवार का निर्माण शुरू हुआ है। 2019 के बाद 2022 में शीत सत्र नागपुर में होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां भी शुरू है। हम देख रहे हैं कि हम देवगिरी बंगले के सामने खड़े हैं। हमें पता है कि पहले इस बंगले की दीवारें जो थी ये छोटी थी, लेकिन अब अचानक से ही ये दीवारें 10 फीट की बनाने का आदेश दिया गया है और कुछ ही दिनों पे शीत सत्र आ चुका है और ये चारों ओर से इस बंगले को 10 फीट की दीवारों से घेरा जाएगा। ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये दीवारें बनाई जा रही है, ऐसा भी बताया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री जो रहते हैं राज्य के, उनके लिए ये बंगला रहता है। शीत सत्र के दौरान वो यहाँ रुकते हैं, लेकिन पहले जो दीवारें थी, हम देख आपको दिखा रहे हैं कि पहले की दीवारें थी वो काफ़ी छोटी थी। अभी जो दीवारें हैं ये बड़ी की जा रही है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये निर्णय लिया गया है, ऐसा भी कहा जा रहा है। कैमरा पर्सन अमोल के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।